कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरे विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि। अयोध्या में निर्माधीन 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के रक्सौल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है चार मुस्लिम जो बहनें हैं जो रामलला के स्वागत में जो है गाना गाई है। एक बार इनका घर देख लीजिए, इनका तस्वीर देख लीजिए, और ये काफ़ी ये लोग जो है गरीब हैं और फिर भी जो है इनके मुख पर जो है सरस्वती जो है इनके वास करते हैं। अभी हमारे साथ जो है चार बहनें हैं। क्या नाम हो गया आपका? साहिस्ता प्रवीण। आपका क्या नाम हो गया? संजीदा खातून। और आपका क्या नाम हो गया? साइना खातून। आप सबसे छोटे हैं, आप ही गाना गाते हैं, क्या नाम हो गया? नैंसी प्रवीण। क्या उम्र हो रही है आपकी? 18 इयर्स। 8 जनवरी को जो है रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उनके लिए आप जो है भव्य गाना गाए हैं। राम आएगी तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएगी तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात है, कब से आप गाना गाना शुरू किए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है जो आप जो गाना गा रहे हैं वो सभी के दिलों में बस रहा है, और लगातार जो आप सोशल मीडिया पे आपका वीडियो वायरल होता है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हमारे स्कूल से हुआ था। अच्छा, जो भगवान का गाना गाते हैं और जो आप मुस्लिम हैं, कहीं ना कहीं लोग भी कहते हैं कि ये जो है आप हिंदू धर्म के गाना गाते हैं, सनातन धर्म को लेकर गाना गाते हैं, लोग ताना भी मारते लेकिन अब हम उनके हिसाब से तो नहीं चल सकते हैं ना, वो तो बोलते ही हैं, लेकिन हमारे अंदर ये वरदान मिला है, अचानक ही आया है। बचपन से तो ना हमने कोई ट्रेनिंग लिया ना कोई शिक्षा ली इसका, ये अचानक ही आया, तो ये उनका सरस्वती माँ का देन है। पापा क्या करते हैं और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउस मेकर है, घर में काम करते हैं। पापा ड्राइव वो गाड़ी चलाते हैं, मतलब घर वगैरह उसी से चलता है। जी हाँ, पापा पढ़ाई भी हो रही है। जी हाँ। सिर्फ गाना गाते हैं या पढ़ाई भी करते हैं? नहीं नहीं, पढ़ाई है, अभी हम 12th में है, मेरा एग्जाम होने वाला है फरवरी में, फाइनल है। अच्छा, जी चलिए आप दूसरी बहन के पास आएंगे, क्या कुछ गाना गाया है हमारे दर्शकों को सुनाइए। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। आपका शुरुआत कहाँ से हुआ था, कैसे आप शुरुआत किए थे गाना गाने के लिए? दीदी गाती थी तो हमको, हम लोग को भी सिखाती थी। दीदी से जो है सभी लोग जो है प्रेरित हो रहे हैं ना? जी हाँ। अच्छा, और आप क्या कुछ गाना गाए हैं? हम भी राम जी का भजन, और सबसे पहले तो मेरा सबसे ज़्यादा वीडियो राम कथा चला है। अच्छा। तो उसका ही एक छोटा सा सुना देते हैं। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतत हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। निप घर जन्म चार कुमारा, रघुकुल दीप जगत आधारा। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। अयोध्या में श्री राम प्रभु राम जो है आ रहे हैं, कितना स्वागत करेंगे, उस लिए क्या कुछ तैयारियां हो रही है? तैयारियां तो बहुत सारी हो रही है। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, ये है पूर्ण मुहूर्त वर्णिम अवसर, फिर नहीं आने बात। अभी सुन सकते हैं इनकी आवाजों को, कहीं ना कहीं जो अभी कायल हो जाएंगे। आगे क्या कुछ सपना है आपका? आगे सपना
जब संगीत गा रहे तो सिंगर बनने का सपना है। सिंगर ही बनना है जी। और पढ़ाई भी चल रही है? पढ़ाई भी चल रही है। कौन से क्लास में है? हम 8 स्टैंडर्ड में है। पढ़ाई मन लगता है? पढ़ाई संगीत जब हम गाना करते हैं तो संगीत में भिन जाते हैं, फिर सोचते हैं नहीं पढ़ाई जरूरी है, अभी तो 8 क्लास। पढ़ाई के साथ साथ जो है संगीत भी जरूरी है? हाँ, दोनों जरूरी है। ये सबसे छोटी आप ही जो अपने हाथ में जो माइक लीजिए और गाना सुनाइए, सबसे अच्छा जो आपको सबसे अच्छा लगता हो लीजिए। छत चीर के हनुमान ने, छत चीर के हनुमान ने बता दिए श्री राम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। छत चीर के हनुमान ने, छत चीर के हनुमान ने बता दिए श्री राम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे राम सिया राम। राजा राम सिया राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। मैंने जो है बारी बारी से चारों बहनों को जो आप लोगों को गाना सुनाया, हम चाहेंगे कि आप लोग जो है एक साथ जो है कोई गाना गाइए। दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, संभ्रम भ्रमण्यलिम्पनिर्झरे विलोलवीचि वल्लरि विराजमानमूर्धनि, धगद् धगद् धगज्ज्वलललाट पट्टपावके किशोरचन्द्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम। अब पूरे देशवासियों को इंतजार है 22 जनवरी का, और 22 जनवरी जब होगा तो ये चारों बहनें जो इंतजार कर रही है जाने के लिए, क्या आप जाएंगे वहाँ पे? हाँ, अगर वहाँ से मतलब कुछ बुलावा आएगा तो बिल्कुल जाएंगे। आप सभी तैयार हैं? हाँ। आप भी तैयार हैं? हाँ। चलिए, ये जो चारों बहनें जो है इंतजार कर रही है 22 जनवरी का, प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और पूरे देश में जो है ये गौरव की बात है, इनको जो है मौका दिया जाएगा और ये लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी इन चारों बहनों के लिए क्या कुछ राय है, अपनी राय रख सकते हैं?